मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं क्योंकि मैं हूँ पंडित फकीर योगी वेंद्र योगी। और पंडित इसीलिए हूँ कि मेरी पृथ्वी से प्यार करता हूँ क्योंकि मैं योगी हूँ। योगी का मतलब है प्यार करना, जुड़ना। मैं सबसे जुड़ता हूँ, जीव जंतु पशु पक्षी। नमूना आपके सामने है, यह है मेरा रॉटवाइलर, यह है मेरा श्वेत डोबरमैन और जितने भी इस जंगल में रहने वाले जीव जंतु पशु पक्षी हैं, वो नेमली हो, मयूर हो, खरगोश हो, जंगली सुगर हो, सांप हो, सभी हमारे अगर दिगर घूमते रहते हैं। और उन सबों में जो श्रेष्ठ है वो है मनुष्य, वो है मनुष्य। और मनुष्य के रूप में वो भगवान है, इनका नाम भी भगवान का है, सत्यनारायण भगवान, डॉक्टर सत्यनारायण। एक बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ के डॉक्टर हैं जो कि दिन रात लोगों की चिकित्सा करते हैं और 99.9% इनके जो रोगी होते हैं, पेशेंट होते हैं, वो निरोग हो जाते हैं। आप पूछोगे कि ये व्यक्ति इतना सफल क्यों है? ये व्यक्ति इतना सफल इसीलिए है कि ज़िंदगी को धू धू के जला दिया है। अपने फील्ड में इन्होंने इतनी तपस्या की है, इतनी मेहनत की है कि ये जूझ चुके हैं अपने जो इनके प्रोफेशन है। इसीलिए तो कहा है, जिन खो जातीन पाइयाँ गहरे पानी बैठ, जो भौरा डूबन रहा रहा किनारे बैठ। जब गहराई में उतरेंगे तो आप क्या करेंगे, समुद्र से भी मोती निकाल के ला सकते हो। तो इन्होंने मंथन किया है, चिंतन किया है और इसीलिए ज्ञानी हो गए। और ज्ञान की तरफ इसको इतना है कि कितना भी सीखते हैं तो न्यूटन की तरह कहते हैं कि मैं तो घोंघा सितुआ चुनने वाला एक बच्चा हूँ जो समुद्र में घूम रहा हूँ, लेकिन समुद्र में ज्ञान का तो खजाना है। लेकिन एक सबसे जो गंभीर इनमें बात है, वो साधु संगति में बहुत विश्वास करते हैं क्योंकि ये ज्ञानी है, विद्वान है, खुद पंडित है, कुछ फकीर है। फकीरी इनका जो धुन है वो धन दौलत से नहीं है, ये बहुत धनवान है। इनके परिवार में 4 डॉक्टर हैं, करोड़ों का संपत्ति है, हर तरह से पूर्ण है, लेकिन फिर भी फकीर बोलते हैं क्योंकि इनको फकीरी में मजा आता है। मन लागा मेरा यार फकीरी में, जो सुख पावो राम जपन में, वो सुख नाही अमीरी में। भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। ये बिल्कुल गरीब की तरह रहते हैं, कभी भी इनको आप देखेंगे ऐश आराम नहीं। आप देख लीजिए इनका स्कूटी लगा हुआ है, छोटा सा स्कूटी पर चलते हैं और बिल्कुल सरल रहते हैं। आप देख लीजिए इनका वेशभूषा। तो ये ज्ञान को ज़्यादा ध्यान देते हैं लेकिन दोस्ती को बहुत ही उत्तम समझते हैं क्योंकि इनके जो दोस्त रहे हैं राल्फ वाल्डो इमर्सन ने दोस्ती पर बहुत प्रकाश दिया है। शुरू में मैं तो दोस्ती से दूर रहा क्योंकि मेरा दोस्ती अपने कर्तव्य पथ पर चलने से, अपने ज्ञान से था। लेकिन जब इनसे मुलाकात हो गई और इनका करुणा दया प्रवाह हमारे जीवन में रंगीनी लाना शुरू किया, धन से, दौलत से, प्रेम से, चिकित्सा से हमें हेल्प किया, तो मैं भी समझा कि राल्फ वाल्डो सही कहता था, दुनिया में दोस्त से बड़ा कुछ भी नहीं है। पति पत्नी, भाई बहन, ये तो ब्लड रिलेशनशिप है, ये तो एक्सीडेंटल है, लेकिन ये दोस्त जो होता है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त चीज़ होता है भाई। उसमें ना कोई लोभ होता है, ना लालच होता है, ना कोई ब्लड रिलेशनशिप होता है, उसमें विचारों की समानता होती है। और ये जो ज्ञान है, हमने नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे कबीर कहते, तुलसी संसार में 5 रतन है सार, तुलसी संसार में 5 रतन है सार, साधु संगति हरी भजन दया दीप उपकार। और कबीर भी तीर मार दिया, बोला, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोई, जो सुख साधु संत में ओ बैकुंठ न होए। क्योंकि इसका ये भी प्रमाण है, सिंहन के नहीं ले रहे हंसन की नहीं पात, साधु की नहीं बोरिया, साधु न चलत जमात। प्यारे दोस्तों, हीरे मोती आपके अनाज की तरह नहीं मिलते हैं, गेहूँ इसी तरह, शेर आपको बकरियों भेड़ियों की तरह झुंड नहीं मिलते हैं। इसी तरह महान पुरुष कभी कभी होते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि परम आदरणीय माननीय डॉक्टर सत्यनारायण साहब, उम्र में हमसे 10 साल छोटे हैं, लेकिन कर्तव्य में इन्होंने जो सोचा कर दिखाया है और हमारे लिए एक अंधे के हाथ की लाठी है। हमारे जो पुरुषोत्तम मानवता डॉक्टर जी वी कृष्णा रेड्डी हैं, वो बंजारा हिल रोड नंबर 1 हैदराबाद में रहते हैं, लेकिन डॉक्टर सत्यनारायण हमारे एक पड़ोसी हैं। हर दुख सुख में ये साक्षात एक हमारे अंधे की लाठी की तरह है। जय हो, कल्याण हो सर आपका, जय जय हो सर।